हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सिंह। और मुझे हर जगह पे फॉलो कर लो यार। वैसे आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना है उस बारे में, क्या क्या चीजें होंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि नाउ योर बॉडी नीड्स डिटॉक्सिफिकेशन। सॉरी, सो आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ। सो उससे पहले प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट सब कर दो और सपोर्ट करो यार। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो डिटॉक्स क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा। डिटॉक्स ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस के दौरान आप अनहेल्दी चीजों से दूर रहते हैं, दूरी बनाए रहते हैं, रखते हैं, 36 का आंकड़ा रखते हैं इन शॉर्ट। सो जो डिटॉक्स करने का प्रोसेस है आपकी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। सो अब हम जानते हैं कि रीजंस क्या क्या होता है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है, क्या क्या रीजंस हो सकता है। पहला रीजन, आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही हो, आपका बिना मतलब कि शरीर में स्वेलिंग हो रही हो, अगर आपका इंक्रीज हो रहा हो वेट अननेसेसरली विदाउट एनी रीजन, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा हो, ये सब बेसिक रीजंस होते हैं कि नहीं आपकी बॉडी को अब डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। तो पहला हो गया आपका ब्लोटिंग, इंक्रीज इन वेट। ओके, पहला। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का रीजन, कि आपको आपकी बॉडी को एक रिबूट चाहिए, आपकी बॉडी अब वापस से रिस्टार्ट करना चाहती है अपने सारे सिस्टम्स को। अगर आप अपनी अपनी लाइफ को अगर हेल्दी है तो और भी हेल्दी बनाना चाहते हो, अगर अनहेल्दी है तो भी उसको हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना इज वेरी। थर्ड हो गया कि अगर आपका खाना खाने का जो तरीका है वो बहुत ही लाइक नॉट ऑन द राइट ट्रैक, अगर आप बहुत अनहेल्दी खाना खाते हो, इन शॉर्ट जंक फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, तो ये सब के थ्रू आपकी बॉडी का सिस्टम, आपकी बॉडी में जो खाना जा रहा है वो बहुत अनहेल्दी जा रहा है, उसको अगर आप हेल्दी करना चाहते हो, अपने खाने की क्वालिटी को सुधारना चाहते हो, तो भी आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी हमेशा हमेशा कम फील होता है, अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हो, अगर आपको बिना वजह के चिड़चिड़ापन होती है, गुस्सा आता है, आपको हमेशा लाइक लेटे रहने का मन होता है, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता, आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हो सकती है। आपकी स्किन की क्वालिटी खराब हो रही है, अब जैसे हमारा नॉर्मल स्किन है, आप इस पे से हाथ ले जाओगे, किसी को हल्का फुल्का पिंपल्स होगा, किसी का स्किन बहुत अच्छा होता है, गॉड गिफ्टेड, किसी का नहीं होता है। बट अगर आपकी स्किन पहले एज इन बहुत अच्छी थी या फिर पहले ठीक ठाक थी और अब आपकी स्किन ज्यादा खराब होती जा रही है दिन पे दिन, तो आप हो सकता है जो खाना खा रहे हो या कुछ और भी रीजन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर बॉडी ओनली। जो आप अपनी बॉडी को देते हो वो आपकी बॉडी आपको दिखाता है बाहर से, आपकी जो बॉडी बाहर से होती है वही आपकी बॉडी अंदर से होती है। अनहेल्दी खाना खाओगे, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, हेल्दी खाना खाओगे, ज्यादा चांसेस ये है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो ये एक रीजन हो सकता है, अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी चीजें नहीं मैनेज कर पा रही है तो ये एक रीजन हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन का। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि आपको डिटॉक्स करना इंपॉर्टेंट हो, कि आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट में आपको पेन हो रहा हो, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको रेगुलर पेन रहने लगे, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्किल होने लगे बहुत ज्यादा, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। हो सकता है आप डाइजेशन अच्छे से नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही और आपकी डार्क सर्कल्स हो रही हैं, सो आपको डिटॉक्सिफिकेशन उस केस में भी करना इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ये रीजन हो सकता है कि आप कॉफी पी रहे हो, एल्कोहल, ड्रग्स प्रेस्क्राइब भी हो सकता है, प्रेस्क्राइब नहीं भी हो सकता है, अगर आप सिगरेट्स बहुत ज्यादा, इनमें से कुछ भी अगर आप इनटेक कर रहे हो जो कि जरूरत से ज्यादा है, लाइक कॉफी थोड़ा बहुत इनटेक करना, ब्लैक कॉफी एंड ऑल विदाउट शुगर या थोड़ा सा शुगर डाल के इज ओके, बट सिगरेट्स इनटेक करना, अल्कोहल इनटेक करना या फिर किसी भी तरीके का ड्रग्स इनटेक करना, इनफैक्ट ड्रग्स अगर प्रेस्क्राइब भी हो और अगर आप बहुत टाइम तक उसको इनटेक कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कभी ना कभी उसका जो बेसिकली लक्षण होता है, जो लाइक सिम्टम्स होते हैं, वो कभी ना कभी आपकी बॉडी दिखाएगी ही और आपको डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो इसके साथ मैं अपना आज का वीडियो खत्म करती हूँ। मैं जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट सब कर देना और मुझे हर जगह फॉलो करना। थैंक यू गाइज, बाय बाय, एंड या बी यूथफुल, बी कॉन्फिडेंट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। बाय।